चैत्र नवरात्रि के अवसर पर जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी के दरबार में माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसी को देखते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा सप्तमी व अष्टमी को मंदिर 24 घंटे खुला रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के माता रानी के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर अधिकारी ज्वालामुखी मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि मंदिर प्रशासन ने 3 दिनों के लिए सभी व्यवस्थाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली है और सेवादारों की जिम्मेवारियां भी निर्धारित कर दी हैं। इन दिनों में मंदिर केवल भोग प्रसाद व पूर्व निर्धारित आरतियों के लिए ही बंद होगा, बाकी समय मंदिर खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। रोजाना हजारों श्रद्धालु कतारों में लगकर और जयकारे लगाते हुए माता ज्वाला की दिव्य ज्योतियों के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौथे नवरात्र तक भक्तों द्वारा माता रानी के दरबार में 29 लाख का चढ़ावा अर्पित किया गया है। ज्वाला जी मंदिर प्रशासन की ओर से 7वें और 8वें नवरात्रे के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। जो हमारी पूर्व निर्धारित आरतियां होती हैं केवल उन्हीं के लिए मंदिर बंद होगा, बाकी समय मंदिर खुला रहेगा। इन 3 दिनों में श्रद्धालुओं की ज़्यादा आमद को देखते हुए सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से 3 समय जो है लंगर की व्यवस्था की गई है। पहले 4 नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा लगभग 29 लाख रुपए की राशि जो है माता के चरणों में अर्पित की गई है।